माय डियर सर, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। आजकल आपको पता है कि हर बंदा चाहता है कि यार मैं घर बैठ के ऑनलाइन पैसे कमा लूं, और हर बंदे की विश है कि वो अच्छी अर्निंग करे। तो इस वीडियो में आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा, थोड़ी सी वेबसाइट्स बताऊँगा जहाँ पर आपके पास जो दुनिया जहाँ की स्किल है आप उसको सेल करके पैसे कमा सकते हैं। देखें, आज के दौर में जिस तरह 2019 में पैनाडेमिक सिचुएशन थी, तो बहुत सारे लोग इस साइट पे आए, कन्वर्ट हुए और जो है पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट करने में टॉप में रहा है। मतलब लोगों ने इतना पैसा कमाया है ऑनलाइन कि हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो है वो टॉप प्रायोरिटीज़ में आ गया था। तीसरे नंबर में आई थिंक पाकिस्तान है। तो अगर और लोग कमा सकते हैं तो आप लोग भी कमा सकते हैं। डेफिनेटली कमा कैसे सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने कैसे कमाना है। तो आपने सब क्या करना है, मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किन किन वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा फ्रीलांसर ये वेबसाइट है। पहले इस पर इंटर करूँगा। जो भी मैं इंटर करूँगा तो मेरे सामने ये आ जाएगा freelancer.com का ऑफिशियल साइट। इसको ओपन करूँगा। अब देखें क्या होता है। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट मोर फ्रॉम 1800 स्किल्स, जो काम आपको दुनिया जहान का आता है ये देखें। वो कहते हैं कि ये इतनी कैटेगरीज हैं, वेबसाइट डिज़ाइन है, ट्रांसलेशन है, पैथन है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, मोबाइल ऐप्स है, रिसर्च है, वर्डप्रेस है, पोस्ट राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, एंड्रॉयड ऐप है, CSS है, इलस्ट्रेशन है, लिंक बिल्डिंग है, सी प्रोग्रामिंग है। अच्छा ये देखें, 100 ये देखें हमारे पास कैटेगरीज कितनी हो गई ये देखें। और मुझे बताएं कि अगर आप एक काम भी पकड़ लें, जस्ट एक ज़्यादा नहीं कह रहा, यहाँ 1800 कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। 1800 कैटेगरी मेरे भाई, कहना आसान बात है। देखिए इतनी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कितनी पड़ी हुई हैं, तकरीबन 500 कैटेगरीज पड़ी हुई हैं जहाँ पे आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। अच्छा आप एक स्किल को, 1800 स्किल में से किसी एक स्किल को सीखने लग जाएं तो आपका टाइम मैक्सिमम 2 से 3 महीने लगेगा और आप इस स्किल में टॉप के बंदे बन जाएंगे, आपका एक लेवल बन जाएगा। तो मेरे भाई, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप क्या करें, इनमें से कोई एक स्किल जस्ट पकड़ लें और उसको सीखना शुरू कर दें, तो उम्मीद है कि आप इस फील्ड में जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये देखें, अब डेटा एंट्री एडमिन के कितनी चीज़ें हैं ये देखें, वीडियो अपलोड, कोइट्री, फोन सपोर्ट, ये वो। अगर आपको सिर्फ डेटा एंट्री का काम ही आता है तो बिलीव मी आप अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये मेरी फील्ड नहीं है, जिन्हें मुझे इसका नहीं पता क्या चीज़ है। सेल्स एंड मार्केट्स का काम अगर आपको आता है, ईमेल कंपेन का आता है, ईमेल मार्केटिंग का आता है, लीड जनरेशन का आता है, MLM का आता है, जो भी काम आपको आता है आप यहाँ पर उसको सेल कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बिजनेस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, लीगल, देखिए इतनी फील्ड्स हैं मेरे भाई, आप किसी फील्ड में चले जाएं। ये देखें मोबाइल फ़ोन कंप्यूटिंग, ये देखें आप जो चाहें यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब ये देखें इतनी लैंग्वेजेस हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप जो प्रोजेक्ट्स चाहें वो आप अपना यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये देखें अदर्स, मतलब इतनी कैटेगरीज हैं इसमें, और ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जो आपके पैसे नहीं खाता, आपकी चीज़ें आपको टाइम पे डिलीवर करता है। आपके और कस्टमर के दरमियान जो है क्या होता है, इनका एक वादा होता है जिसकी वजह से ना कस्टमर आपके साथ 2 नंबरी कर सकता है और ना आप उसके साथ 2 नंबरी कर सकते हैं। सो आपको एक स्किल सीखने, स्किल सीख के क्या करें, उस स्किल के महर बन जाएं और उस स्किल को डिजिटली शेयर करना शुरू कर दें, ठीक है ना, और आप जो है अच्छा खासा रेवेन्यू इसमें से जनरेट कर लेंगे। तो कल से नहीं बल्कि आज से ही शुरू करें और इसको शुरू करके अपनी एक स्किल को अच्छे तरीके से डेवलप करें ताकि आप आगे बढ़ सकें। शुक्रिया।